नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी पुरी है और आज आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, इस लॉकडाउन के टाइम में हम लोग ठीक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेफ रहें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा परिवार भी सेफ रहे, हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने दूसरे परिवार के बारे में सोच रहे हैं? दूसरा परिवार वो जिसके साथ हम अपने एक्चुअल परिवार से भी ज़्यादा वक्त मिलाते हैं, इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स, वो 32 क्राफ्ट के लोग जिनकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है, जिनके बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती, वो सारे मेकअप मैन, वो सारे स्पॉट दादा, वो सारे लाइट मैन, वो सारे वर्कर्स जो बहुत थोड़े से पैसे कमाते हैं, रोज़ के पैसे कमाते हैं। गाइज, हमें सोचना चाहिए कि वो सारे स्पॉट दादा जो रोज़ सुबह हमसे चाय पूछते हैं, क्या उनसे कोई खाना पूछ रहा होगा? क्या उनके घर में खाना बन भी रहा होगा? वो सारे मेकअप मैन जो इंडस्ट्री के सारे एक्टर्स को खूबसूरत दिखाते हैं पर्दे पर, क्या उनके माथे पे शिकन तो नहीं होगी? क्या उनके पास पैसे होंगे? ये सब कुछ सोचना हमारा फ़र्ज है दोस्तों। ये हमारा दूसरा परिवार है जो हर रोज़ 30-30, 40-40 किलोमीटर ट्रेनों में, बसों में ट्रैवल करके 12-12 घंटे तक हमारे लिए एक टांग पे खड़े रहते हैं और कभी भी एक छू तक नहीं करते। आज हमारा वक्त है उनके लिए कुछ करने का। दोस्तों, मैंने हाथ बढ़ाया है लेकिन आप सबके हाथ की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग हाथ बढ़ाएं और इन सब लोगों का साथ दें जो हमेशा हमारा साथ देते रहे, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री चल रही है, जिसकी वजह से हम पैसे कमा रहे हैं। प्लीज़, जो भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, अगर करने निकलेंगे तो अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इनकी आप सब मदद करें, हम सब मिलकर मदद करें और इस कोरोना की लड़ाई को हम सब लोग मिलकर जीतें। थैंक यू।